जैसे आपको बताया कि तीसरी लहर ये बहुत तेजी से बढ़ रही है। आज हरियाणा में लगभग 500 केस प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, आज 2000 से ऊपर केस हो गए हैं। हमें सब जगह सावधानी बरतने की आवश्यकता है ताकि इस कोरोना के फैलाव को हम रोक सकें, और सब प्रकार की सावधानी बरतने के लिए हमने जो नई गाइडलाइंस तय की हैं उसमें बाजार जो हैं और बाजार 5 बजे तक का समय को दिया, उसके बाद नहीं खोल पाएंगे। और जितने ऑफिस हैं उनको 50% की हाजिरी के हिसाब से वो खोल सकते हैं। बहुत चीज़ों के ऊपर ऐसे कड़े कदम लगाए हैं। स्कूल कॉलेज को बंद किया है। इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर DC के माध्यम से कमेटी बनाई गई है जो इसका पालन करें और सख्ती करें। जो इसका पालन नहीं करते हैं, खास करके मास्क का या बाकी जो फॉर्म्स हैं उपस्थिति के, उनका उल्लंघन करते हैं तो उनका चालान भी किया जाएगा। इंडिविजुअल का जो चालान है वो तो होगा ही होगा, संस्थाओं के भी चालान करेंगे। क्योंकि 1 जनवरी से, जैसे कल से हमने डबल डोज जिसका है लगा हुआ, वही आदमी सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है, बशर्ते कि उसकी पहली डोज के बाद अगर दूसरी डोज का टाइम पीरियड पूरा नहीं हुआ है तब वो जा सकता है। लेकिन पहली डोज तो हर जगह अनिवार्य की गई है। वैसी सख्ती अगर करेंगे ताकि इसमें से आगे बढ़ने से उसको कैसे रोक सके, और बहुत जल्दी अगर ये वापस यू टर्न हो गए, डाउन होना शुरू होगा, तो ये सारी जो लगाई गई प्रतिबंध हैं सारे ये उठाए जा सकते हैं। 12 तारीख तक ये सारे प्रतिबंध लगाए।